नमस्कार दोस्तों, आपने आसाराम बापू, नारायण साईं, राम रहीम सिंह, राधे माँ और निर्मल बाबा का नाम तो सुना ही होगा और इसी के साथ इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानते होंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताएंगे जो इन सब बाबाओं के गॉडफादर माने जाते हैं, जिन्होंने अपना अलग देश ही बना डाला, जिन पर सेक्स स्कैंडल, रेप और किडनैपिंग का आरोप लगा। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बाबा ऑन द प्लैनेट, जिनका नाम है अरुणाचलम राजशेखर, उन्हें हम और आप स्वामी नित्यानंद के नाम से भी जानते हैं। मैं हूं सुधांशु और ये है द लाइफ ऑफ बाबा नित्यानंद। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट आवर टीम टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर यू। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुवनमलई से, जहां 1 जनवरी 1978 में अरुणाचलम और लोकनायकी के घर जन्म हुआ अरुणाचलम राजशेखरन का। बचपन से ही राजशेखरन स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि उनके गांव में बड़े बड़े साधु महात्माओं का आना जाना रहता था। राजशेखरन जब 3 साल के थे तब उन्हें गांव के ही एक संत योगी राज योगानंदापुरी ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया और अपना शिष्य बना लिया। जब राजशेखरन 12 साल के हुए तब उन्होंने पावरफुल स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस किया और उसके ठीक 10 साल बाद यानी एट द एज ऑफ 22 उनके साथ एक ऐसा स्पिरिचुअल एपिसोड हुआ जिससे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो इंसान नहीं बल्कि शिव का अवतार है। बस फिर क्या, साल 2002 जब वो 24 साल के हुए तब उन्होंने अपना नाम अरुणाचलम राजशेखरन से नित्यानंद रख लिया। साल 2003 में नित्यानंद ने बैंगलोर के पास बिडाड़ी में अपना पहला आश्रम खोला जिसका नाम रखा ध्यानपीठम। आश्रम के स्टार्ट होते ही नित्यानंद कई हॉस्पिटल्स में घूमे, जहां वो बीमार लोगों पर अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते और अगर कोई ठीक हो जाता तो उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेते। आश्रम में मेडिटेशन, भक्ति और योगा भी सिखाया जाता था। इसके अलावा नित्यानंद ने क्लेम किया कि उन्हें कुंडलिनी चक्र और तीसरी आंख को एक्टिवेट करने जैसी 60 सिद्धियां आती हैं। साथ ही क्लेम किया कि वो आंख बंद करके 360 डिग्री देख सकते हैं और थर्ड आई ओपन होने के बाद वो दीवार और फॉग के उस पार भी देख पाएंगे। इसके साथ ही क्लेम किया कि उन्होंने अपनी सिद्धि से 82 ब्लाइंड बच्चों की आंखें ठीक कर दी। खैर इसका कोई प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन इन सब क्लेम से नित्यानंद पूरे इंडिया और वर्ल्ड में फेमस हो गए। फेमस सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन समेत लाखों लोग इनके आश्रम में आने लगे। यहाँ तक कि नित्यानंद ने 2007 में लाइफ ब्लिस फाउंडेशन नाम से एक आश्रम यूएसए में भी ओपन कर लिया था। ऑल्सो नित्यानंद वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट स्पिरिचुअली इन्फ्लुएंशियल लिविंग पीपल बाय वॉटकिंस माइंड बॉडी स्पिरिट मैगजीन। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2010 जिसने नित्यानंद की लाइफ एकदम बदल कर रख दी। 2010 में एक न्यूज चैनल पर एक वीडियो टेलीकास्ट हुआ जिसे देखकर पूरे देश में नित्यानंद के सभी फॉलोअर्स का खून खौल उठा। दरअसल सन टीवी ने ध्यानपीठम आश्रम में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो टेलीकास्ट किया जिसमें नित्यानंद अपनी एक फॉलोअर रंजीता के साथ इस पोजीशन में दिखे। जी हाँ, इस पोजीशन। रंजीता एक तमिल एक्ट्रेस थी जो नित्यानंद को अपना गुरु मानती थी। बाद में पता चला कि वो वीडियो नित्यानंद के एक्स ड्राइवर लेनिन करुपन ने बनाया था। इस वीडियो के आउट होते ही बवाल शुरू हो गया। पूरे देश में नित्यानंद के फोटोज और पोस्टर्स पर चप्पलें लटका दी जा रही थी। वहीं नित्यानंद और रंजीता ने इस वीडियो को फेक और मॉफ्ट बताया और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आश्रम के फॉलोअर्स ने उनका भरोसा भी कर लिया। हालांकि बेंगलुरु फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वीडियो में नित्यानंद और रंजीता ही थे, लेकिन नित्यानंद ने फिर भी इस वीडियो को फेक ही बताया। इसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर आया साल 2012 जब एक यूएस बेस्ड महिला ने क्लेम किया कि नित्यानंद ने उसके साथ कॉन्टिन्यूसली 5 साल तक अमेरिका और इंडिया के आश्रम्स में रेप किया है। इस यूएस बेस्ड महिला के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है जिसका नाम है माई डॉटर ज्वाइंट अ कल्ट। आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन द सेम ईयर 2012 एक और महिला आरती राव ने नित्यानंद को रेप के लिए अक्यूज किया। जब आरती ने आश्रम में स्वामी के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें थ्रेटन किया गया। इसके अलावा साल 2014 में आश्रम के अंदर संगीता नाम की लड़की की डेथ हुई थी। रिपोर्ट्स में डेथ का रीजन आया था हार्ट अटैक, पर संगीता की मदर का कहना है कि आश्रम के लोगों ने उसका मर्डर किया है, जिसके बाद संगीता की मदर झांसी रानी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की, जिससे ऐसे राज खुले कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सीबीआई, हर एक फॉलोअर जो आश्रम में एडमिशन ले रहा था उसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता था जिसमें लिखा था ये, आप वीडियो पॉज कर ये सब पढ़ सकते हैं। एनडीए में लिखा था कि आश्रम में मेल और फीमेल वॉलंटियर्स को ऐसे एंशियंट तांत्रिक सीक्रेट्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी जिससे उनकी सेक्सुअल इंटीमेसी बढ़ेगी, और ये भी लिखा था कि दीज एक्टिविटीज कुड बी फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग एंड मे इन्वॉल्व न्यूडिटी, एक्सेस टू विजुअल इमेजेस, ग्राफिक विजुअल डिपिक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ न्यूडिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी। अब जरा सोचिए कि नित्यानंद के आश्रम में क्या क्या चल रहा होगा। खैर, साल 2019 में फिर एक खबर आई। तमिलनाडु के एक कपल ने हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को अप्रोच किया और कहा कि
कि उन्हें बिना बताए उनके तीन बच्चों को नित्यानंद के बैंगलोर वाले आश्रम से अहमदाबाद वाले आश्रम ले गए हैं और उन्हें अब वापस नहीं आने दे रहे। इस क्लेम के बाद गुजरात पुलिस ने नित्यानंद के अगेंस्ट FIR फाइल की, जिसके बाद कोर्ट ने नित्यानंद को कई बार कोर्ट में पेश होने का नोटिस भेजा, पर नित्यानंद एक भी बार कोर्ट नहीं आए। तब जाकर कोर्ट ने उनका अरेस्ट वारंट निकाला। गुजरात पुलिस ने हर जगह नित्यानंद की खोज की, पर वो कहीं नहीं मिला। नित्यानंद के गायब होने के एक साल बाद ऐसी न्यूज बाहर आई जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड तबाही मचा दी। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पार्ट। 2019 में बलात्कार और बच्चों के अपहरण का आरोपी नित्यानंद भारत से भाग गया और 2020 में अपना खुद का देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा एस्टेब्लिश करने का क्लेम लेकर सामने आया। सोचिए, खुद का ही एक अलग देश बना लिया, पर कोई भी इस देश की लोकेशन नहीं जानता था, ना कोई फोटोग्राफ सामने आया था। बट कैलाशा हैज अ वर्चुअल प्रेजेंस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलाशा की खुद की गवर्नमेंट वेबसाइट है, कैलाशा का फ्लैग भी है और करेंसी भी, खुद का रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा भी है। कई न्यूज चैनल्स की माने तो ये कैलाशा देश इक्वाडोर के पास एक आइलैंड में बसा हुआ है। नित्यानंद ने एक पूरा आइलैंड ही खरीद लिया था और कैलाशा देश पहुंचने का रास्ता भी नित्यानंद ने खुद ही बताया। सुनिए। यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर कैलाशा वीसा। यू हैव टू रीच ऑस्ट्रेलिया ऑन योर ओन। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कैलाशा हैज इट्स ओन चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज। यू विल बी टेकन टू कैलाशा बाय कैलाशा'स ओन प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट सर्विसेज। प्लीज डू नॉट आस्क फॉर More than 3-day visa. यानी कैलाशा को कंट्री बनाने के लिए सब रेडी है, बस UN recognition मिलने की देर है। लेकिन वो काम इतना आसान भी नहीं है। खैर, recognition पाने के लिए नित्यानंद ने अपनी टीम लीड विजय प्रिया नित्यानंद को UN के कॉन्फ्रेंस में भेजा था, जहां उन्होंने खुद को ये कहकर इंट्रोड्यूस किया। I'm here representing the United States of Kailasa. I'm the permanent ambassador, Vijay Priya Nityananda. देखना होगा कि क्या सच में कैलाशा एक कंट्री बन पाएगा, और कंट्री बन भी जाए तो नित्यानंद ने जो इंडिया में किया है क्या उसे उसकी सजा मिलेगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्लैरिटी कास्ट।